हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसे एफ परीक्षण के नाम से जाना जाता है। एफ परीक्षण भी एक स्मॉल सैंपल टेस्ट है, अर्थात जिस प्रकार से हमने टी परीक्षण किया था, जेड परीक्षण किया था, उसी प्रकार से एफ परीक्षण भी स्मॉल टेस्ट के लिए किया जाता है, यानी छोटे प्रतिदर्शों के परीक्षण के लिए एफ परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से टी परीक्षण का प्रयोग किया जाता था, टी परीक्षण के हमने विभिन्न मेथड्स को समझे, जेड परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है उसको समझा, उसी प्रकार से एफ परीक्षण जब सैंपल का साइज लेस देन 30 होता है, यानी ये लघु प्रतिदर्श में लागू होता है, एफ परीक्षण जो दिया है वो रोनाल्ड फिशर वे जॉर्ज स्नेडो डेकोर नाम के दो स्टेटिशियंस के द्वारा दिया गया। और इस परीक्षण के माध्यम से हम ये देखते हैं, दो सैंपल के आधार पर हम ये परीक्षण करके देखते हैं कि दोनों सैंपल एक ही यूनिवर्स से लिए गए हैं अथवा अलग अलग यूनिवर्स से लिए गए हैं। सपोज कीजिए हमने पॉपुलेशन के बारे में दो सैंपल लिए हैं और उन सैंपल का हम परीक्षण कर मान लीजिए एक में हमने 12 लिए हैं, दूसरे में हमने 10 लिए हैं, तो उन परीक्षण के आधार पर एफ परीक्षण के माध्यम से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये दोनों सैंपल एक ही जगह के हैं अथवा अलग अलग जगह के हैं। अर्थात जो एफ परीक्षण है वो सैंपल्स जो है दो अलग अलग प्रतिदर्श की तुलना करने के लिए लिया जाता है और ये पता करने के लिए जाता है कि दोनों प्रतिदर्श में अंतर शून्य है अथवा अंतर सार्थक है। जैसा कि हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि रोनाल्ड फिशर व जॉर्ज स्नेडोकोर के द्वारा ये एफ परीक्षण दिया गया, तो स्नेडोकोर ने फिशर के सम्मान में इस परीक्षण का नाम एफ परीक्षण रखा। सांख्यिकी में एक बहुत लोकप्रिय परीक्षण जो है टी परीक्षण है, उसके बाद अगर बहुत ज्यादा कोई परीक्षण काम में लिया जाता है लघु प्रतिदर्श में, तो वह एफ परीक्षण ही लिया जाता है। एफ परीक्षण का कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले प्रतिदर्श निकाला जाता है। दो सैंपल होते हैं तो पहला प्रतिदर्श S1² निकालने के लिए करते हैं सिग्मा X1 - X̄1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 - 1, जहां पर क्या है, X1 है समांतर माध्य, प्रथम श्रेणी का समांतर माध्य, उसको X1 की संज्ञा देते हैं। तो हर में से मतलब जो भी हमारे पास वैल्यूज है उस वैल्यूज में से सब वैल्यूज में से समांतर माध्य को निकाला जाता है, उसके माध्यम से डेविएशन निकाला जाता है, फिर डेविएशन का वर्ग करके S1² ये पहला प्रतिदर्श निकाला जाता है। S1² = σ X1 - X̄1² / N1 - 2। इसी प्रकार से दूसरे सैंपल के लिए हम यूज करेंगे S2² - σ X2 - X̄2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 - 1, जहां X̄2 क्या है, समांतर माध्य दूसरी श्रेणी का, ये वाला प्रथम श्रेणी का समांतर माध्य, ये दूसरी श्रेणी का समांतर माध्य। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, सबसे पहले एफ परीक्षण ज्ञात करने के लिए ये दो प्रतिदर्श का ये निकाला जाता है S1² और S2², तब आप एफ टेस्ट निकालते हैं। एफ परीक्षण होता है S1² / S2², यदि S1² बड़ा आता है S2² से तो S1² को ऊपर रखा जाएगा, S2² को नीचे रखा जाएगा। अगर S2² बड़ा आ जाता है S1² से तो एफ परीक्षण में आपको क्या करना पड़ेगा, S2² को ऊपर रखना है, S1² को नीचे रखना है। यानी सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको प्रतिदर्श के ये निकालने S1² और S2² निकालने, उसके बाद एफ परीक्षण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके जो दो वैल्यू आएंगे, जो वैल्यू बड़ी आएगी उसको ऊपर रखेंगे, जो वैल्यू छोटी आएगी उसको हमेशा नीचे रखेंगे। इस कारण से एफ परीक्षण जो है, एफ परीक्षण हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू के रूप में आता है, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू के रूप में नहीं आता है। अगर ये दोनों बराबर होंगे
तो फिर कोई सा भी आप ऊपर रख सकते हैं, कोई सा भी नीचे रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने जो 2x2 करना है तो 1 आएगा, उस 2 को ऊपर रखें या उस दूसरे 2 को नीचे रखें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बाकी आपको क्या देखना है कि जो s1² और s2² में से जो वैल्यू बड़ी आती है उसको ऊपर रखना है, जो वैल्यू छोटी आती है उसको नीचे रखना है। अगर s1² बड़ा है तो इसको ऊपर रखकर परीक्षण किया जाएगा, और अगर s2² अगर बड़ा है तो ये लिखेंगे s2² डिवाइडेड बाय s1², दैट इज कॉल्ड एफ परीक्षण, एफ टेस्ट। तो ये इस प्रकार से आपको क्या करना है, एफ परीक्षण करना है। उसके बाद में क्या करना होता है, सबसे पहले हमने s1² और s2² निकाला, उसके बाद में एफ परीक्षण को यूज किया जाता है। अगर आपने समान, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको प्रमाण विचलन दे रखा है तो s1² आएगा, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर माइनस n1 माइनस 1। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें आपको संख्या नहीं दे रखी है और प्रमाण विचलन दे रखा है पहली श्रेणी का और दूसरी श्रेणी का, तब हम s1² निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1 2, और दूसरा s2² दैट इज n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 माइनस 1, और f परीक्षण वही का वही होगा, s1² डिवाइडेड बाय s2² या s2² डिवाइडेड बाय s1². अगर s1² बड़ा है s2² से तो ये फॉर्मूला लगाना है, और s2² बड़ा है s1² से तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो सामान्य रूप से अगर हमने जो परीक्षण लिया है उसमें नंबर्स दे रखे हैं जिसका हम समांतर माध्य निकालेंगे, तब हम पुराना वाला सूत्र लगाएंगे जिसमें हम s1² के लिए लिखेंगे सिग्मा x1 माइनस x1 का x⁻¹ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1, और s2² बराबर सिग्मा x2 माइनस x⁻²² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 माइनस 1। पर यदि हमको सीधा प्रमाण विचलन दे रखा हो, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर दे रखा हो, तो आपको ये फॉर्मूला करना है, बाकी वो फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए स्वतंत्र अंश को किस प्रकार से इसमें देखना है वो भी हम डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या क्या हमको देखना पड़ता है वो देखिए। अब दोनों परीक्षण में से पहला परीक्षण है वो जो बड़ा होगा, जिसका मान बड़ा है, जैसे s1² बड़ा है s2² से, तो बड़े को लिखेंगे v1 बराबर n1 माइनस 1, और जो छोटा है जिसका मान छोटा आता है उसको लिखेंगे v2 बराबर n2 माइनस 1। और जब टेबल देखेंगे 5% सार्थकता स्तर पर जो टेबल देखेंगे उसमें हम क्या करेंगे, ये टेबल में V1 इधर आएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से नंबर होंगे। इसी प्रकार से V2 जो छोटा है उसमें नंबर होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से नंबर होंगे। सपोज कीजिए बड़ा आया है उसके अंदर 5 आइटम्स है तो ये हुआ 4, और छोटा आया उसमें 6 आइटम है तो ये हुआ 5। तो हम क्या करेंगे, इधर तो देखेंगे 4 और इधर देखेंगे 5, ये वाला जो वैल्यू आएगा वो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, यानी जो बड़ा है उसको V1 मानना है और जो छोटा है उसको V2 मानना है। टेबल में V1 यूं दिया होता है और V2 यूं दिया होता है, तो मान लीजिए ये मान आया 4, ये मान आया 5, तो इधर से 4 चलेंगे इधर से 5 चलेंगे, जो मान आएगा वो हमारा टेबल वैल्यू माना जाएगा। सपोज कीजिए यहां पर आपका आया 10-1 दैट इज 9, और यहां पर आपका भी 10 है 10-1 दैट इज 9, तो इधर से भी 9 लेंगे इधर से भी 9 लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हम टेबल वैल्यू के रूप में कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरी चीज क्या हुई, दूसरी चीज यह हुई कि हमको स्वतंत्र कोटि किस प्रकार से निकालनी है। तो स्वतंत्र कोटि के रूप में हम क्या करेंगे, V1 और V2 का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा पहला प्रसरण का स्क्वायर बड़ा आता है तो उसको V1 मानेंगे, जो छोटा प्रसरण का स्क्वायर आता है उसको V2 मानेंगे, और ये टेबल इस प्रकार से देखेंगे, V1 इधर देखा जाता है और V2 इस प्रकार से देखा जाता है। तीसरी चीज इसके अंदर आती है कि आपने टेबल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू का कंपैरिजन करना है। अगर देखिए यदि टेबल वैल्यू ज्यादा आती है कैलकुलेट वैल्यू से तो हम लिखेंगे शून्य परिकल्पना सत्य है, अंतर अर्थहीन है। अगर ये मान जाता है कि किसी समय में
हमने जो कैलकुलेटेड वैल्यू की है उसका मान कम आता है और टेबल वैल्यू का मान ज्यादा है, तो हम मानेंगे कि शून्य परिक्रमा सत्य है, अर्थात जो दोनों सैंपल लिए गए हैं वो दोनों सैंपल एक ही समष्टि से लिए गए हैं, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अगर ऐसा आता है कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आती है, टेबल वैल्यू कम आती है, तो हम बोलेंगे शून्य परिकल्पना असत्य है, अंतर सार्थक है। यानी अगर शून्य परिकल्पना असत्य आती है तो ये माना जाएगा कि जो दोनों सैंपल है वो दोनों सैंपल एक ही समष्टि से नहीं लिए गए हैं, वरन दोनों सैंपल अलग अलग समष्टि से लिए गए हैं। यानी पहला सैंपल किसी दूसरे यूनिवर्स से लिया गया है, दूसरा सैंपल किसी और यूनिट से सैंपल से लिया गया है, तब हम ये मानेंगे कि शून्य परिकल्पना असत्य है। तो मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि एफ परीक्षण का प्रयोग इस चीज की जांच के लिए किया जाता है कि जो सैंपल लिए गए हैं वो सैंपल एक ही समष्टि से लिए गए हैं अथवा अलग अलग समष्टि से लिए गए हैं। तो मूल रूप से जो एफ परीक्षण है वो इसी चीज को बताता है कि जो सैंपल है वो कहां से लिए गए हैं। इसके बाद जो अगला जो स्टेप होता है उसके अंदर ये कहते हैं, इस निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि एफ परीक्षण के माध्यम से हम इस चीज का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो हमने सैंपल लिए हैं या हमारे पास जो अवेलेबल सैंपल है वो एक ही समष्टि से लिए गए हैं अथवा अलग अलग समष्टि से लिए गए हैं। अब देखिए एफ परीक्षण के गुण, एफ परीक्षण के गुण थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि एफ परीक्षण जो है उन परीक्षण जो है उसके क्या क्या क्वालिटीज होती है। पहली चीज अगर हम देखें तो इसमें दो स्वतंत्र कोटियां होती है। फर्स्ट देखिए, दो स्वतंत्र कोटियां, एक होता है V1, उसके लिए कहते हैं N1 माइनस वन, और V2 बराबर होता है N2 माइनस वन। ये होता है बृहत्तर प्रसरण और इसको बोलते हैं लघुत्तर प्रसरण। यानी जो छोटा सैंपल आएगा जिसका मान कम आएगा उसको लघुत्तर प्रसरण कहा जाएगा, और जिसका मान ज्यादा आएगा उसको बृहत्तर प्रसरण कहा जाएगा। तो सबसे पहली चीज कोटियां दो होती है, और जब टेस्ट करते हैं टेबल में, पहले भी मैं बात कर सकता हूं कि V1 यहां होता है 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से टेबल दी होती है, और V2 की टेबल ये दी होती है। तो जो हमारे पास बड़ा आएगा, जो भी बड़ा आएगा, यानी S1 स्क्वायर अगर बड़ा आता है तो इसको बृहत्तर प्रसरण मानेंगे और S2 स्क्वायर को लघुत्तर मानेंगे। कब? जब S1 स्क्वायर बड़ा हो S2 स्क्वायर से। अगर S1 स्क्वायर हो जाएगा लघुत्तर, S2 स्क्वायर को मानेंगे बृहत्तर। कब? जब S2 स्क्वायर बड़ा होगा S1 स्क्वायर से। यानी S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर दोनों को देखेंगे, जिसका मान बड़ा आएगा उसको बृहत्तर प्रसरण माना जाएगा और बृहत्तर प्रसरण को V1 के नाम से डिनोट किया जाएगा, और जिसका मान कम आएगा उसको लघुत्तर प्रसरण माना जाएगा और उसको V2 से डिनोट किया जाएगा। अगला, दूसरी चीज F, दूसरी चीज क्या है, F के जो वैल्यू है वो वैल्यू 5% सार्थकता स्तर पर हमारे को बुक में दिए हुए हैं। आप स्टेटिस्टिक्स की कोई भी बुक देखेंगे तो उसमें आपको लोग्रामेंट्स, एंटी लोग्रामेंट्स, काई स्क्वायर टेस्ट का परीक्षण, टी परीक्षण, एफ परीक्षण, जेड परीक्षण, रेसिप्रोकल्स, ये सब टेबल पीछे दी हुई होती है। तो हमको, मैंने जैसा बताया वैसे उस टेबल को देखना है। एक तरफ आपको V1 देखना है जो कि बृहत्तर प्रसरण को बताएगा, जो कि हॉरिजॉन्टली होता है, और V2 वर्टिकली होता है जो कि लघुत्तर प्रसरण को बताता है। अगर हमारे लघुत्तर प्रसरण में 8 वैल्यू दी हुई है तो वहां पर हम 7 देखेंगे, बृहत्तर प्रसरण में 10 वैल्यू दी हुई है तो 10 माइनस वन, वहां 9 देखेंगे, यानी इधर 9 देखेंगे, इधर 7 देखेंगे, और इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगी उसको हम F परीक्षण के रूप में प्रयोग में लेंगे। तीसरी चीज देखिए कि F परीक्षण एक नॉन सिमेट्रिकल यानी असममितीय विंटन होता है। यानी जैसे जैसे हम सैंपल का साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये जो इसका आकार है वो चेंज होता चला जाएगा। अब देखिए कि अगर पहले 2 और 12 है
तो ये आकार इस प्रकार से 2 है 12। वी वन और वी टू का मान है पहले में परीक्षण में 2 है, दूसरे में आपका 12 है, तो इस प्रकार का है। अगर ये चेंज करके हमने 8 और 20 कर दिया तो ये इस प्रकार का हो जाएगा, ये हुआ 8 और 20। और चेंज किया तो और ये इस प्रकार से हो जाएगा, मान लीजिए हुआ 20 और 50। यानी वी वन और वी टू का मान अलग अलग जैसे जैसे होगा वैसे इसकी कुत्ता चेंज होती चली जाएगा, इसका मोमेंट चेंज होता चला जाएगा। फर्स्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और 12 है, तो ये एक सपाट के रूप में है। जब ये 8 और 20 हुआ तो थोड़ा और बढ़ा, 8 और 20 इसके बाद 20 और 50 हुआ तो और बढ़ा, और अगर हम 50 और 100 करेंगे तो ये इसका मान और ज्यादा इस प्रकार से हो जाएगा 50 और 100। यानी जो जितना हम हमारा जो परीक्षण का साइज ज्यादा होगा उतना ही उसमें प्योरिटी चली जाएगी। जैसा कि नॉर्मली रूप से होता है कि एक छोटा सैंपल है वो बड़े सैंपल की तुलना में ज्यादा स्टैंड बाय करता है, वो हम पहले मान चुके हैं सांख्यिकीय नियमितता का नियम लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी में हमें माने कि एक छोटा सैंपल जो होता है वो बड़े सैंपल की तुलना में ज्यादा सार्थक होता है, ज्यादा वास्तविकता के नजदीक होता है। वैसे ही एफ परीक्षण में जैसे जैसे हम सैंपल का साइज बढ़ाएंगे तो वहां जो एफ परीक्षण का जो कर्व आएगा वो कर्व और ज्यादा सपाट होता चला जाएगा। पहले आपने देखा कि एकदम उसके अंदर कोण कम था और जैसे जैसे हम साइज बढ़ाएंगे वो और ज्यादा नजदीक आता चला जाएगा। इसके अलावा देखिए इसके गुणधर्म जो होते हैं, अगर हम गुण की बात करें तो एफ परीक्षण भी टी परीक्षण और काई परीक्षण की तरह सिमिलरली गुणधर्म एफ परीक्षण के भी होते हैं, जो कि हमने टी परीक्षण और काई परीक्षण में डिस्कस किए। इसके अलावा एफ की टेबल हमने पहले से डिस्कस कर दी कि एफ की टेबल पीछे दी हुई होती है। एक और बात करनी है कि व्युत्क्रम में भी सक्सेस होते हैं एफ परीक्षण। जैसे देखिए अगर मान लीजिए व्युत्क्रम, एक और चीज समझ लेते हैं, व्युत्क्रम को देखिए कि एफ परीक्षण जो है, अगर मान लीजिए एफ 1 माइनस ए दैट इज 1/, अगर आपको दे रखा है फंक्शन ऑफ ए v1 v2, अगर देखिए ए का अगर है हमने माना ये वृहत्तर है ये लघुत्तर है तो ये होगा 1/ एफ ए, इधर लघुत्तर आ जाएगा इधर वृहत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से ये रेसिप्रोकल्स के रूप में भी सक्सेस होते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से एफ परीक्षण के क्वेश्चन आ सकते हैं और हमको उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करना है उसको हम समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे कि किस प्रकार से एफ टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से हमको हल करना है वो हम चीज देखेंगे। अब मान लीजिए देखिए ए दो फैक्ट्री, ए फैक्ट्री और बी फैक्ट्री, इनमें जो मजदूर प्रोडक्शन करते हैं, ए फैक्ट्री के मजदूर जो प्रोडक्शन करते हैं उनका डाटा दे रखा है। वो पहला मजदूर करता है 10, 6, 16, 17, 13, 12, 8, 14, 15, 9। ये पहले फैक्ट्री उसमें मजदूर के 10 मजदूरों का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन दे रखा है 10, 6, 16, 17, 13, 12, 8, 14, 15 एंड 9। अब हमको यहां क्या करना पड़ेगा, x1 माइनस x बार 1। दूसरी चीज हमको करनी पड़ेगी x1 माइनस x बार 1 का स्क्वायर। दूसरी जो फैक्ट्री उसमें 12 मजदूर है, 12 मजदूरों का देखा गया है तो आया 7, 13, 22 प्रोडक्शन है, 15, 12, 14, 18, 8, 21, 23 और है 10 और 17। ये 12 मजदूर है, दूसरी फैक्ट्री है। क्या आप दोनों फैक्ट्रियां एक ही समष्टिगत से ली गई, यानी कि देखिए हमने 10 मजदूर लिए हैं, उन 10 मजदूरों ने ये प्रोडक्शन किया, दूसरे जो 12 मजदूर लिए उन्होंने ये प्रोडक्शन किया,
डे बाय डे का इनका प्रोडक्शन चेक किया गया। अब देखिए एक्स टू माइनस एक्स बार टू और एक्स टू माइनस एक्स बार टू का स्क्वायर, अब ये हमको चाहिएगा। तो हम देखिए पहले इसको बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालेंगे तो देखेंगे कि देखिए फर्स्ट वाला आपका 10 प्लस 6 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 25 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 9, पहला हुआ 120। तो देखिए x बार 1 दैट इज सिग्मा x 1 डिवाइडेड बाय n 1, तो आपका आया 120 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 12। तो ये आपका आ गया 12 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 2 माइनस का 6 प्लस का 4, हर में से 12 घटाएंगे, प्लस का 5 प्लस का 1 0 माइनस का 4 प्लस का 2 प्लस का 3 माइनस का 3, देखिए 3 से 3 कैंसिल, फिर आपका है माइनस का 2 बचा, 10 और 10 ये चीज, ये आपका आया 2 2 जा 4 36 16 25 1 0 16 4 9 एंड 9। क्या किया, सबसे पहले इनको टोटल किया, 120 आया तो इसका अर्थमेटिक मीन निकाला, अर्थमेटिक मीन सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन 1 तो आया 12। दूसरे का टोटल किया 7 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 21 प्लस 23 आएगा और फिर 10 आएगा और 17 आएगा, तो ये आया 180। तो दूसरा एक्स एक्स बार टू दैट इज 180 डिवाइडेड सिग्मा एक्स बार टू बाय सिग्मा एक्स टू बाय एन टू, 180 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 15, इसमें 12 आइटम है तो 15, तो यहां देखिए आएगा माइनस का 8, 15 से गया 2 या आया प्लस 7, 15 से 15 गया 0, 12 से 15 गया माइनस का 3 या माइनस का 1 या प्लस का 3, ये आएगा माइनस का 7, ये 21 है तो 6 आएगा, ये 8 आएगा, ये माइनस 5 आएगा, ये प्लस का 2 आएगा, ये फिर 0 आएगा, 10 16 19 26 10 4 14 21 26 0। ओके अब देखिए 8 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 64, 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4, 7 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 49, 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 9, देन 7 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 49, देन 36, देन 64, देन 25, देन 4, इसका टोटल लेंगे तो आएगा 314, इसका भी टोटल लेंगे 4 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 26 प्लस 20 प्लस 18 दैट इज 120। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने क्या किया, पहले ये एक्स में 10 थे, अर्थमेटिक में निकाला, हर में से 12 घटाया, सिग्मा एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर, फिर ये सेकंड में 12 थे, हर में से अर्थमेटिक मीन 15 घटाया, इसका स्क्वायर किया। अब देखिए एक्स वन स्क्वायर बराबर होता है सिग्मा एक्स वन माइनस एक्स बार वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वन माइनस वन, ये फॉर्मूला है। तो ये आया 120 अपॉन 10 माइनस 1 दैट इज 120 अपॉन 9। तो पहला वाला क्या आएगा, पहला वाला आएगा 120 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 13.33। दूसरा आएगा एस टू स्क्वायर दैट इज सिग्मा एक्स टू माइनस एक्स बाय टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन टू माइनस वन, ये मान है 314। तो 314 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1 दैट इज 314 डिवाइडेड बाय 11 28.54। देखिए ये दोनों चीज हमने निकाल दी, पहला आया 13.33
दूसरा है 28.55। अब इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्या करना है, एफ परीक्षण क्या होता है, एफ परीक्षण में क्या करते हैं, एफ बराबर होता है बृहत्तर प्रक्षण डिवाइडेड बाय लघुत्तर प्रक्षण। तो देखिए एस वन स्क्वायर दे रखा है हमका 13.33, एस टू स्क्वायर दे रखा है 28.55। सो एस टू स्क्वायर इज ग्रेटर देन एस वन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एस टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस वन स्क्वायर। जो बड़ा आएगा उसको ऊपर रखना है, जो छोटा आएगा उसको नीचे रखना है। तो एफ का मान क्या आएगा, एफ का मान आएगा 28.55 डिवाइडेड बाय 13.33। ये 28.555 है, 555 लगातार है तो हमने इसको करना है। तो देखिए 28.55 डिवाइडेड 13.33, तो ये मान है 2.14। एफ का मान आया 2.14, ये हमारा आया कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ। अब देखिए कैलकुलेट वैल्यू एफ की आ गई, वो आई 2.14। अब देखिए v1 बराबर n1 माइनस 1, तो v1 इसको मानेंगे, बड़े वाले को मानेंगे, तो यह आएगा v1 बराबर 12 माइनस 1 दैट इज 11। v2 बराबर लघुतर है n2 माइनस 1, तो v2 बराबर 10 माइनस 1 दैट इज 9। तो v1 का मान अपने को 11 देखना है और v2 का मान 9 देखना है, यानी जो टेबल है उस टेबल में इस साइड में तो हमको देखना है 11 और इस साइड में देखना है 9। ये जहां मिलेंगे वहां की वैल्यू को चेक करना है। तो वहां की जो वैल्यू है वो टेबल वैल्यू है 2.142, यहां लिखा है 2.142 और ये आई 2. देखिए हमारी आई दोनों की जो टेबल वैल्यू है उस टेबल वैल्यू को हमको चेक करना पड़ेगा। V1 और V2 की जो टेबल वैल्यू है वो टेबल वैल्यू है 3.112, टेबल वैल्यू है 3.112। अब देखिए हमारी टेबल वैल्यू है 3.112 और कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.14, क्लियर। तो यहां देखिए क्या करेंगे, देखिए टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि टेबल वैल्यू है ये 3.112। किसमें हम ये देखेंगे, v1 का मान 11 और v2 का मान 9, तो इसमें मान देखेंगे था 3.112। कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी आई 2.142, अभी निकाला हमने 2.142। इसका मतलब क्या है, शून्य परिकल्पना सत्य है, अर्थात ए व बी दोनों मजदूरों के समूह एक ही समष्टि से लिए गए, यानी जो दोनों सैंपल लिए हैं, हमने लिखा फैक्ट्री ए में से 10 श्रमिक लिए, फैक्ट्री बी से लिए, वो दोनों एक्चुअली फैक्ट्री एक ही है, एक ही फैक्ट्री के दो अलग अलग पार्ट्स हैं, ए पार्ट और बी पार्ट है, यानी जो दोनों में अंतर है वो अंतर शून्य है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। इस प्रकार से जो एफ परीक्षण है उसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि अंतर सार्थक है या नहीं है, जैसा कि हमने पहले टी टेस्ट में भी देखा, कई परीक्षण में भी देखा, सिमिलरली एफ टेस्ट में भी हम यही चीज करते हैं। एक और लेते हैं, देखिए मान लीजिए एक विद्यार्थी एक कक्षा में, एक कक्षा के 5 विद्यार्थियों को लिया गया और उन्होंने जो स्कोर किया वो लिखते हैं, 5 विद्यार्थी है फर्स्ट में और उन्होंने स्कोर किया 40, 30, 38 41, 38, 35 6 विद्यार्थी है, 6 विद्यार्थी एक कक्षा के लिए उन्होंने जो स्कोर किया वो स्कोर हमने यहां लिखा 50 में से जो स्कोर किया 50 नंबर में से एक ने किए 40, एक ने 30 लिए, एक ने 38 लिए, एक ने 41 लिए, एक ने 38 लिए, एक ने 35।
अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स वन माइनस एक्स बार वन का स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 50 मार्क्स 50 नंबर से पहले स्टूडेंट को मिले 40, दूसरे को मिले 30, फिर 38, 41, 38, 35। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x बार निकालकर x बार माइनस x बार x1 माइनस x बार 1 करेंगे, फिर करेंगे x1 माइनस x बार 1 का स्क्वायर। दूसरे जो स्टूडेंट है उनमें देखिए b जो x2 है, x2 में पहला एक समूह था, उस समूह में 6 स्टूडेंट थे, उन 6 स्टूडेंट को 50 से मार्क्स मिले 40, 30, 38, 41, 38 और 35। बी समूह में 39, 38, 41, 33, 32, 39, 40, 34, ये 8 स्टूडेंट है। बी समूह में 8 स्टूडेंट्स है, इसमें 6 स्टूडेंट है, इसमें 8 स्टूडेंट्स है, यहां लेंगे x2 माइनस x बार 2 का और यहां करेंगे x2 में से x बार 2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, f टेस्ट निकालने के लिए पहले इनको टोटल करते हैं, तो आया 70, 38, 41, 38, 35। पहला है 222, तो x बार 1 दैट इज सिग्मा एक्स वन डिवाइडेड बाई एन वन, 222 डिवाइडेड बाई एन वन, आप स्मॉल भी लिख सकते हैं 6। तो यह है आपका 37। एक्स बार टू निकालने के लिए इनको जोड़ेंगे, 39 + 38 + 41 + 33 + 32 + 39 + 40 + 34, यह 296। तो x बार 2 आएगा सिग्मा x2 डिवाइडेड बाय n2, दैट इज 296 डिवाइडेड बाय 8, ये भी आया आपका 37। दोनों का अर्थमेटिक मीन इक्वल आया। अब देखिए 40 - 37 दैट इज 3, दैट इज -7, 38 - 37 दैट इज 1, दैट इज 4, 38 - 1 एन माइनस 2, 7 और 2 9, 6 और 9, तो है 9, 49, 160, 14। इनको टोटल कर लेंगे, 9 + 49 + 18 + 4 दैट इज 80। अब इसमें से 37 घटाएंगे तो आएगा 2, ये आएगा 1, ये आएगा 4, -4, -5, +2, +3, -3, 3 से 3 कैंसिल, देखिए 3 और 2 5, 5 और 5 10, 12, और यह 9, 3, 12, ओके 4, 1, 16, 16, 25, 4, 9 and 9, तो ये आएगा आपका 4 + 1 + 32 + 25 + 4 + 18 दैट इज 84। यह आया 84। अब देखिए एक्स वन स्क्वायर निकालने के लिए सिग्मा एक्स वन माइनस एक्स बार वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वन माइनस वन, तो यहां हम लिखेंगे 80 डिवाइडेड बाय 6 - 1 दैट इज 80/5 दैट इज 16। एस टू स्क्वायर निकालने के लिए सिग्मा एक्स टू माइनस एक्स बार टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन टू माइनस वन करना होगा, तो आया 84 डिवाइडेड बाय 8 - 1, 84 डिवाइडेड बाय 7, 7 - 1 = 7, 7 - 2 = 14। तो ये हमने एस वन और एस टू का स्क्वायर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, एफ टेस्ट निकालेंगे। एफ टेस्ट, एफ परीक्षण करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वृहत्तर प्रसरण डिवाइडेड बाय लघुत्तर प्रसरण। तो यहां देखिए एस वन स्क्वायर का मान आया 16 और एस टू स्क्वायर का मान आया 12। एफ बराबर क्या होता है, वृहत्तर
वृहत्तर प्रसरण डिवाइडेड बाय लघुत्तर प्रसरण, तो वृहत्तर है 16 डिवाइडेड बाय 12, तो हम क्या करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आएगा 1.33। ओके, ये हमारा एफ का मान आया। अब देखिए V1 बड़ा वाला है 6-1 दैट इज 5, V2 8-1 दैट इज 7, इन दोनों पर मान देखेंगे। यानी हम क्या करेंगे, जो टेबल होगी उस टेबल में V1 इधर होता है, V2 तो यहां तो देखेंगे 5 और इधर देखेंगे 7, तो यहां जो आएगा इनके यहां ये वैल्यू आएगी। यानी इस साइड में V1 और इस साइड में V2, इन दोनों का अगर हम टेबल वैल्यू देखते हैं तो आया 3.99 लगभग। हम इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, इनकी टेबल वैल्यू आए 3.97। तो ये देखिए कैलकुलेटेड वैल्यू है 1.33 और टेबल वैल्यू है 3.97, तो हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे ये देखिए। टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू, 3.97 ज्यादा है 1.33 से, इसका मतलब है H0 इज ट्रूथ, शून्य परिक्रमा सत्य है, अंतर अर्थहीन है। यानी जो दोनों है, दोनों जो सैंपल लिए गए हैं वो दोनों सैंपल एक ही क्लास से लिए गए हैं, एक ही क्लास के दो ग्रुप बांटे गए हैं, एक में 6 स्टूडेंट लिए गए, दूसरे में 8 स्टूडेंट लिए गए, यानी दोनों सैंपल में कोई भी अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से एफ परीक्षण से हम क्या करते हैं, हम एफ परीक्षण से ये टेस्ट करते हैं कि जो दो सैंपल लिए गए हैं वो सैंपल एक ही समष्टि से लिए गए हैं अथवा अलग अलग समष्टि से लिए गए। इसी प्रकार से अगर आपको कभी दे दिया कि N1 8 परीक्षणों का सिग्मा X1 माइनस X बार 1 का स्क्वायर आपको ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 94.5। इसी प्रकार से N2 बराबर 10 परीक्षण है, इसमें सिग्मा X2 माइनस X बार 2 का स्क्वायर वो आपको दे रखा है 101.7। यानी ये हमारा पहले से दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, S1 स्क्वायर बराबर सिग्मा X1 माइनस X बार 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 माइनस 1, तो हम क्या करेंगे 94.5 डिवाइडेड 8 माइनस 1 दैट इज 94.5 डिवाइडेड बाय 7। पहला हम करेंगे 94.5 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 13.5। दूसरा निकालेंगे S2 स्क्वायर दैट इज सिग्मा X2 माइनस X बार 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 माइनस 1, तो ये आएगा 101.7 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1, तो आएगा 101.7 डिवाइडेड बाय 9। 101.7 डिवाइडेड बाय 9 इसकी वैल्यू आएगी 11.3। एफ परीक्षण होता है बृहत्तर प्रसरण डिवाइडेड बाय लघुत्तर प्रसरण, तो हम वृहत्तर बड़ा ऊपर लिखेंगे 13.5, नीचे लिखेंगे 11.3। ये देखिए लगभग एक से ज्यादा आएगा, क्योंकि बड़ा ऊपर रखते हैं छोटा नीचे रखते हैं, तो नॉर्मली ये क्या आएगा 1.1946 है, तो आप इसको लिखेंगे 1.195। अब देखिए बड़ा वैल्यू ये है, तो यहां हम करेंगे V1 बराबर N1 माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 1, V1 का मान 7 पर देखेंगे, V2 बराबर N2 माइनस 1 ये छोटा है, तो ये लिखेंगे इसमें 10 माइनस 1 दैट इज 9। यानी V1 का मान हम देखेंगे 7 और V2 का मान 9 पर देखेंगे, तो हमको टेबल वैल्यू यहां देखनी होगी, तो जो टेबल वैल्यू है वो है 3.29। यानी जो हमने टेबल वैल्यू लेनी है इसमें V1 यहां तो देखेंगे 7 और V2 का मान देखेंगे 9, तो यहां जो आएगी वैल्यू ये वैल्यू आएगी आपकी 3.29।
अब आप देखिए टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू 3.29 ज्यादा है 1.195 से, इसलिए H0 सत्य है, अंतर अर्थहीन है। शून्य परिकल्पना सत्य है, यानी दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों जो नमूने लिए गए हैं N1 और N2 दोनों एक ही समष्टि से लिए गए हैं, क्योंकि F परीक्षण के माध्यम से हमने कैलकुलेट करके देखा कि इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों में अंतर शून्य है। तो इस प्रकार से लघुतर प्रसरणों के लिए हम F परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। स्मॉल सैंपल टेस्टिंग के लिए F परीक्षण कई प्रकार से यूज जा सकता है। कई बार आपको अर्थमेटिक मीन मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा हो तो किस प्रकार से आपको करना है, जैसे देखिए एन वन इजिकल टू एट एक्स बार वन दे रखा है आपको 60, स्टैंडर्ड डेविएशन वन वो आपको दे रखा है 50, स्क्वायर दे रखा है वन का स्क्वायर दैट इज 50, एन टू जो है इसमें 6 है, x बाय टू दैट इज 51, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर ये आपको दे रखा है 40। तो देखिए एस वन स्क्वायर इसमें निकालेंगे तो एन वन स्टैंडर्डेशन वन का स्क्वायर बटे एन वन माइनस वन, ये फॉर्मूला लगाएंगे एन वन इजिकल टू 8 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड 8 माइनस वन 400 डिवाइडेड बाई 7। तो 400 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 57.143। दूसरा एस टू स्क्वायर निकालेंगे दैट इज एन टू स्टैंडर्डेशन 2 का स्क्वायर डिवाइडेड एन टू माइनस वन, तो अगर 6 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 6 माइनस वन 240 डिवाइडेड बाय 5। That is 48। ये आपका हुआ बृहत्तर प्रश्न, ये हो जाएगा आपका लघुतर प्रश्न। तो F परीक्षण करेंगे तो F परीक्षण बराबर हो जाएगा, S1 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, S2 स्क्वायर नीचे आ जाएगा, बृहत्तर 57.143 डिवाइडेड बाई 48। F का मान आएगा 1.198। ओके, यहां V1 बराबर हो जाएगा 8 माइनस 1 दैट इज 7, V2 बराबर हो जाएगा 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो V1 को 7 पे देखना है, V2 को 5 पे देखना है, यानी जो टेबल है इस टेबल में इधर को देखना है 7 और इधर देखना है 5, यहां जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी है F, ये वैल्यू आपकी है 4.88 टेबल वैल्यू आपकी है। तो अभी क्या करेंगे, टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू, 4.88 ज्यादा है 1.198 से, तो हम लिखेंगे शून्य परिकल्पना सत्य है, अंतर अर्थहीन, यानी दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। यहां जो F परीक्षण है ये शो करता है कि दोनों में कोई भी अंतर नहीं, चाहे आप ये यूज करें, यानी जो दोनों सैंपल है वो दोनों सैंपल एक ही समष्टि से लिए गए हैं। इस प्रकार से आपको F परीक्षण करना है, बहुत इजी है। मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि F परीक्षण आपको किस प्रकार से करना है। अगर आपको ये दे रखा है, जैसे देखिए एक्स वन दे रखा है 9, 11, 13, 11, 5, 9, 13, 11, 5, 9, 9, 11, 13, 11, 5, 9, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आइटम्स दे रखे हैं, N1 बराबर 8 और इन आइटम्स की वैल्यू दे रखी है। यहां X1 माइनस X बार 1 का करेंगे, फिर यहां करेंगे x1 माइनस x बार 1 का स्क्वायर, दूसरे में दे रखे 10, 12,
10, 12, 10, 14, 9, 8 और लास्ट है 10। ये आइटम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही दे रखा है, n2 = 7। पहले वाले में दे रखे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और दूसरे में दे रखे 7। अब आप देखिए इसका कैलकुलेशन हम पहले से भी कर चुके हैं, मैं एक और क्वेश्चन बड़ा भी करके बताऊंगा आपको। पहला हुआ 20 + 24 + 14 + 26, हमने दो दो को साथ जोड़ लिया, ये आया आपका 84। दूसरे को भी टोटल कर देते हैं 22 + 24 + 17 + 10, दैट इज आया 73। x बार 1 का स्क्वायर, यह है 10, 12, 10। एक बार और जोड़ लेते हैं 22 + 24 + 17 + 10, दैट इज 73। x1 84 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 10.5। ये पॉइंट वाला इसलिए लिया गया है। x2 73 डिवाइडेड बाय 7, अब आपको देखना क्या करना है, हर में से 10.5 घटाना है, इसमें हर में से 10.4 घटाना है, 10.5 घटाना है। ओके, तो 9 - 10.5 दैट इज 1.5, माइनस का 1.5, 0.5, 2.5, 0.5, माइनस का 1.5, प्लस का 1.5, 3.5। अब इसमें क्या करना है, x2 - x/2 का, और ये लेना है x2 - x/2 का स्क्वायर। ओके, तो यहां सब में से 10.4 घटाना है, तो आएगा माइनस का 0.4, प्लस का 1.6, माइनस का 0.4, प्लस का 3.6, माइनस का 1.4, माइनस का 2.4, माइनस का 0.4। अब देखिए कैलकुल 1.5, ये भी 2.25, ये भी 2.25। 0.5 को 0.5 से करेंगे तो आएगा 0.25, 0.25, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, 6.25, 5.5 को 5.5 से करेंगे 30.25, 3.5 को 3.5 से करेंगे 12.25, इनका टोटल हो जाएगा आपका 56। अब इसी प्रकार से 0.4 × 0.4, 0.16 एक बार, 0.16 दो बार, 0.16 तीसरी बार, 1.6 को 1.6 से करेंगे 2.56, और नहीं है, 3.6 को 3.6 से करेंगे 12.96, 1.4 को 1.4 से करेंगे 1.96, 2.4 को 2.4 से करेंगे तो 5.76, टोटल इसका आएगा आपका 23.72। अब देखिए क्या करना है आपको, s1 square σx1 - x^1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 - 1, दैट इज 56 डिवाइडेड बाय 8 - 1, दैट इज 56/7 8। s2 square, दैट इज σx2 - x/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 - 1, तो ये आपका है 23.72 डिवाइडेड बाय 7 - 1, दैट इज 23.72 डिवाइडेड बाय
6। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आया 3.95। तो f बराबर होता है, बड़ा वाला ऊपर रखेंगे नहीं, सेकंड वाला नीचे रखेंगे, तो 8 डिवाइडेड 3.95। 8 डिवाइडेड 3.95 तो f का मान आया 2.02। f का मान आएगा 2.02। 9, 11, 13, 9, 11, 13, 11, 5, 9, 12, 3 तो ये आपका मान आया 2.02। f का ही मान आया। अब देखिए क्या करेंगे, बृहत्तर प्रसरण जो है ये पॉइंटों में किस प्रकार से आएगा, तो बहुत आपको परेशान नहीं होना है, पॉइंट में भी आएगा तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं, यही कारण से मैंने क्वेश्चन लिया। तो V1 बड़ा है, V1 आपका आएगा 8-1 दैट इज 7 और V2 बराबर आएगा 7-1 दैट इज 6। इनके लिए अगर आप टेबल वैल्यू देखेंगे तो आएगा 4.21। कैलकुलेटेड वैल्यू, टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि कैलकुलेटेड 2.02 है और यह है 4.21, इसलिए H0 सत्य है, यानी सुनिए परिकल्पना सत्य है, अंतर अर्थ ही नहीं, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आता है और उसमें पॉइंट आ जाते हैं, पॉइंटों में अर्थमेटिक मीन आ जाता है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें एक्स और वाई, X1 और X2 में संख्या अलग अलग थी, एक में 10 थी तो एक में 12 थी, एक में 8 थी तो एक में 10 थी, एक में 7 थी तो एक में 5 थी। अगर दोनों में 10-10 बराबर आ जाए तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपको कहता हूं डिफरेंस आया, डिफरेंस एक उसमें प्रतियोगिता थी, इस प्रतियोगिता में खाद्य पदार्थ ए दिया गया और दूसरे ग्रुप को खाद्य पदार्थ बी दिया गया, तो पहले ग्रुप में जो डिफरेंस आया वो आया 8578 3276 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या किया गया, खाद्य पदार्थ 10 विद्यार्थियों को एक खाद्य पदार्थ दिया गया और इनके वेट में ये डिफरेंस आया। अब देखिए यहां करेंगे x1 माइनस x बार 1 का स्क्वायर, दूसरे 10 विद्यार्थियों को खाद्य पदार्थ बी दिया गया 3756, इनमें जो वेट चेंज हुआ 3756 5445 और लास्ट है 36, इनमें जो वेट चेंज हुआ 10 विद्यार्थियों को ये खाद्य ए खाद्य पदार्थ दिया, इनका वेट ये चेंज हुआ, इनको बी दिया, इनमें ये चेंज हुआ, तो आएगा x2 माइनस x बार 2 और x2 माइनस x बार 2 का स्क्वायर। क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। हमने ये क्वेश्चन इसमें लिया कि दोनों में 10-10 है, ऐसा नहीं है कि दोनों में अलग अलग संख्या होना जरूरी है। तो देखिए पहले वाला 20, फिर 20, फिर 16, फिर 2, या 58। एक बार वापस टोटल कर लेते हैं, 13 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 12 58 8578 8578 3 2 7 6 5 7। ओके, दूसरा 3756 3756 5445 और 36। ओके, यह 10 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, यह है आपका 48। अब देखिए x बार 1, सिग्मा x1 डिवाइडेड बाय n1 That is 58 upon 10, that is 5.8. X bar 2,
दैट इज सिग्मा एक्स टू डिवाइडेड बाई एन टू दैट इज 48 बाई 10 दैट इज 4.8। ओके, अब क्या करेंगे, और में से 5.8 घटाएंगे, पहले में से 5.8 घटाएंगे, 5.8 हर में से घटाएंगे, तो 8 माइनस 5.8 दैट इज 2.2, ये 1.2, ये 2.2, फिर आपका आया 1.2, 5.8 है 0.2, ये 1.2, 5 से 5.8 गया तो आएगा 0.8, ये 0.8, 3 में से 5.8 गया माइनस का 2.8, माइनस का 3.8, ये हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें से 4.8 घटाना है तो 4.8 3 में से घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1.8, 5 में से घटाएंगे तो 0.2, 1.2, 2.2, 0.2, 4 में से घटाएंगे तो 0.8, 4 में से 4.8 घटाएंगे ना, ये प्लस का आएगा 5 का, ओके, ये आएगा 0.2, 3 में से 4.8 घटाएंगे तो माइनस का 1.2, 6 में से घटाएंगे, 6 माइनस दिस 1.2, 3 माइनस दिस 1.8, अब देखिए स्क्वायर करते हैं, 2.2 मल्टीप्लाई 2.2 दैट इज 4.84, और 2.2 कहाँ है, 4.84 टू टाइम्स, और 2.2 कहीं है, पॉइंट एट को पॉइंट एट से किया 0.64, फिर यहां पर भी 0.64, 1.2 को 1.2 से किया 1.44, फिर 1.44, फिर 1.44, 2.8 को 2.8 से किया 7.84, 3.8 मल्टीप्लाई 3.8 14.44, 0.2 को 0.2 से किया 0.04, इसका जो टोटल आया वो आया 37.6। दूसरे का देखेंगे, 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 दैट इज 3.24, 2.2 मल्टीप्लाई 2.2 दैट इज 4.84, 2.2 और कहीं है, नो, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 0.04, 0.04, 0.04, 1.2 को 1.2 से करेंगे 1.44, फिर 1.44, 0.8 को 0.8 से करेंगे 0.64, 0.64, 1.8 को 1.8 से करेंगे 3.24, तो ये आपका टोटल आया 15.6। अब क्या करेंगे, एस वन स्क्वायर बराबर सिग्मा एक्स वन माइनस एक्स बार वन का स्क्वायर डिवाइडेड एन वन माइनस वन, तो यहां करेंगे 37.6 डिवाइडेड 10 माइनस वन दैट इज 37.6 डिवाइडेड बाई 9, तो पहला हो जाएगा 37.6 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज 4.17, ये आएगा 4.17। एस टू स्क्वायर सिग्मा एक्स टू माइनस एक्स बार टू का स्क्वायर एन टू माइनस वन, तो आएगा 15.6 डिवाइडेड बाई 10 माइनस वन, तो आएगा 15.6 डिवाइडेड बाई 9 1.73। ये हमने एस वन एस टू स्क्वायर निकाल लेने हैं, इसके बाद क्या करेंगे, वही सिंपल प्रोसेस करेंगे इसके बाद जो हम हमेशा करते हैं, बृहत्तर प्रसरण को ऊपर रखना है, एफ एस वन स्क्वायर बड़ा इसलिए ऊपर आएगा, एस टू स्क्वायर छोटा इसलिए नीचे आएगा, तो आएगा 4.17 डिवाइडेड 1.733, एस वन डिवाइडेड बाय एस टू, तो आया 4.17 डिवाइडेड 1.733 दैट इज 2.41, तो यहां एफ का मान आया
2.41। अब देखिए बड़ा वाला ये है S1, बड़ा वाला S1 स्क्वायर ये था आपका 4.1 सेंटीमीटर, S2 स्क्वायर था आपका 1.733। तो V1 बराबर 10-1 दैट इज 9 और V2 ये भी 10 है इसलिए 9, दोनों पर 9, यानी जो हमारी टेबल है इसमें V1 भी 9 देखना है और V2 भी 9 देखना है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के सामने, यानी यहाँ 9 के सामने, इस 9 के नीचे जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है 4.85। टेबल वैल्यू कितनी आती है? 4.85। तो हम क्या करेंगे, यहां देखेंगे कि टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू। 4.85 ज्यादा है 2.41 से, इसलिए लिखेंगे शून्य परिकल्पना सत्य है, अंतर अर्थहीन है। इस प्रकार से देखिए हमने बहुत सारी क्वेश्चन ली जिसके माध्यम से हमने यह सीखा कि एफ परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। सामान्य रूप से जो एफ परीक्षण है उस एफ परीक्षण का प्रयोग एक दो जो प्रतिदर्श है, दो जो सैंपल है, वो सैंपल एक ही समष्टि से लिए गए हैं अथवा अलग अलग समष्टि से लिए गए हैं, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए एफ परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से एफ परीक्षण को हमको प्रयोग में लेना है और इसके माध्यम से हम दो जो समष्टिगत सैंपल है उनको चेक कर सकते हैं। एक और चीज आपको यहाँ ध्यान में रखनी है, मैं एक बार एक क्वेश्चन और बताता हूँ कि देखिए एक में जहाँ समान जहाँ हमको प्रमा विचलन दिया होता है वहां अर्थमेटिक मीन भी दिया होता है, और विद्यार्थी जब पेपर होता है उस पेपर में वो कंफ्यूज होता है कि अर्थमेटिक मीन दिया है तो जरूर कुछ ना कुछ इसका काम है। मैं एक बार वापिस एक क्वेश्चन कराता हूँ कि एफ टेस्ट का अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे देखिये N1 बराबर दे रखा है 16, N2 आपको दे रखा है 25, इसमें x बार 1 दे रखा है वो दे रखा है 440 और x बार 2 दे रखा है 460। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर इसमें दे रखा है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर दे रखा है 40। अब देखिए ये दोनों वैल्यू कहीं पे भी काम नहीं आते, पर विद्यार्थी क्या करता है, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट्स परीक्षा में कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे एफ परीक्षण करना है तो ये दोनों वैल्यू कुछ ना कुछ तो काम आती होगी। हमको करना है तो देखिए करेंगे S1 स्क्वायर दैट इज N1 स्टैंडर्डाइजेशन 1 का स्क्वायर बाय N1-1। तो हमको लिखना है 16 × 14 / 16 - 1 दैट इज 16 × 40 / 15। S2 स्क्वायर हम निकालेंगे तो आएगा N2 स्टैंडर्डाइजेशन 2 का स्क्वायर N2-1, तो यहाँ आपका आएगा 25 × 42 / 25-1 तो आएगा 25 × 42 / 24। तो यहाँ देखिए पहला आया 16 × 40 / 15 दैट इज 42.6 है। दूसरा प्रश्न आया 25 × 42 / 24 दैट इज 43.75। ये बड़ा आया ये छोटा आया तो यहां आपको लिखना पड़ेगा V2 = 16 - 1 दैट इज 15 और ये माना जाएगा V1 दैट इज 25.1 दैट इज 24। तो F जो मान आएगा F का मान आएगा S2 स्क्वायर ऊपर आएगा S1 स्क्वायर नीचे आएगा क्योंकि ये बड़ा आया है तो आएगा 43.75 / 42.67। तो यहां पर F का मान आएगा 1.05। अब देखिए जो टेबल वैल्यू इसमें देखेंगे, अब आपको केवल ये क्वेश्चन इसलिए ही कराया गया है कि यहाँ दोनों के समांतर माध्य दिए हुए होते हैं, उससे आपको कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रखना है, परीक्षा में ये कोई भी काम नहीं आएंगे। S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है, V1 बराबर है 25 - 1 दैट इज 24 और V2 बराबर है 16 - 1 दैट इज 15। ये दोनों पर हम अगर टेबल वैल्यू देखते हैं तो आती है 2.29।
तो टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू, 2.29 बड़ा है यहाँ 1.05 से, इसलिए शून्य परिकल्पना सत्य है, अंतरार्थी है। यानी जो दोनों प्रसरण लिए गए हैं, दोनों प्रसरण एक ही समष्टि से लिए गए हैं। यहाँ हमने बहुत डिटेल में बात करी कि किस प्रकार से एफ परीक्षण किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि एफ परीक्षण का कोई भी सवाल हो, चाहे दोनों नमूने के डाटा आपको दे रखे हो, चाहे उसका सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वन का स्क्वायर दे रखा हो, चाहे प्रमाप विचलन का स्क्वायर दे रखा हो, किसी भी प्रकार का एफ परीक्षण दे रखा हो, आप इसको कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये वीडियो एफ परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये दोनों चीजें समझाने के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा।